इसका पानी आप रख रहे हैं तो किसी भी ऐसे पात्र में, पत्थर में अच्छा होता है, वैसे पत्थर जहाँ पे है, पत्थर की विहीर हो उसमें अच्छा होता है, पत्थर का पात्र है तो उसमें अच्छा होता है। सीमेंट तो बहुत खराब चीज है, सीमेंट तो कोई मजबूरी है तो रखिए, सीमेंट से अच्छा तो वो जाड़ा प्लास्टिक है, प्लास्टिक होता ना सिंटेक्स की टंकी और ये सब, ये सीमेंट से अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा वो भी नहीं है, सीमेंट की तुलना में वो बेहतर है, बहुत ही अच्छा। उसको तो बिना किसी में रखे पी सकते। बारिश का पानी अगर आपको मिलता है पीने के लिए तो दुनिया में उससे अच्छी कोई चीज नहीं, वो तो पानी नहीं है, अमृत है। भारत में राजस्थान नाम का एक राज्य है, यहां सबसे कम बारिश होती है राजस्थान, सबसे कम, मुश्किल से 5 इंच भी बारिश नहीं होती। वो राजस्थानी लोग एक एक बूंद पानी का इकट्ठा करते हैं। आप कभी राजस्थान का प्रवास करो, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वो एरिया में कोई गांव का घर ऐसा नहीं मिलेगा जो बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए टांकी नहीं बनाता, सबके घर के नीचे बारिश का पानी इकट्ठा करने का टांका है। तो पत्थर और चूने से बनाते हैं, पत्थर और चूना दोनों पानी को हमेशा शुद्ध रखता है। तो जब भी बारिश आती है टांका भरते हैं और पूरे साल भर वही पानी पीते हैं और कभी कावड़ नहीं होता। मैंने जो बोला ना पानी 48 मिनट में खराब होता है, ये बारिश का पानी अगर टांके में है जिसमें चूना और पत्थर है वो साल भर भी खराब नहीं होता। तो अगर नगर पालिका इतना ही कर दे कि बारिश का पानी हर शहर में इकट्ठा करे नगर पालिका और पत्थर और चूने से बड़े बड़े टांके बनाए जाए हर मोहल्ले में, वही टांके में पानी इकट्ठा करके साल भर लोगों को पीने को दे, तो ना उसमें क्लोरीन डालनी पड़ेगी ना कोई केमिकल डालना पड़ेगा और वो शुद्धतम पानी वही है। अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। धरन का पानी तो उसमें बारिश का पानी थोड़ा बहुत मिलता है, इकट्ठा होता है तो धरन का पानी तो ठीक ही है आप पी रहे हैं तो, लेकिन वो वही है, उबाल के पीजिए। और आप ऐसा करिए कि आपके घर में थोड़ी भी व्यवस्था है अगर, तो बारिश का पानी इकट्ठे करना शुरू करिए। आपके घर में थोड़ी भी कोई व्यवस्था हो तो बारिश का पानी बेकार मत जाने दीजिए। घर पर जितना पानी टूट रहा है, गिर रहा है घर की छत पर, उतना तो जरूर इकट्ठा करें। अब कैसे करें, उसके 2-3 उपाय हैं। या तो टांका बना लीजिए बड़ा, पत्थर और चूने से बन जाएगा। टांका नहीं बना सकते तो बारिश का पानी आपके घर के नजदीक कोई एक खड्डा करके बोर जैसा 20-25 फुट का पाइप डाल के रख दीजिए और जितना पानी आता सीधे उसमें डाल दीजिए। फिर बाद में यही पानी आप खींच सकते, बेकार मत जाने दीजिए उसको। मैंने, हमारे पिताजी ने जो भी घर बनाए हैं, हमारे 3 घर हैं, एक गांव में है, एक माता पिता जहां रहते हैं और एक वर्धा में बनाया अभी, उनकी पहले से ये प्लानिंग है, हमारे घर में बारिश का एक बूंद पानी भी बाहर बेकार नहीं जाता, पूरा इकट्ठा करते हैं। अब हमने क्या किया, हमारा जहां बोर है, बोर के नजदीक में एक और बोर किया है, उस हाँ एक दूसरा बोर मारा है, लेकिन उसमें कुछ पंप वंप नहीं बिठाया, खाली बोर है और पाइप भी नीचे तक नहीं डाला, पाइप बस 2-3 फीट है, बाकी कच्चा। तो जितना बारिश का पानी आता है वो सब हम उसी बोर में डाल देते हैं। तो हमारा जो पंप वाला बोर है वो रिचार्ज होता रहता, उसका पानी कभी सूखता नहीं, तो भी चलेगा। खड्डा लेकिन थोड़ा गहरा होना चाहिए ताकि पानी नीचे जाए, कम से कम तो मिट्टी कैसी है उस पर निर्भर करेगा। मुरुम है तो चलेगा, 3 फीट गहरा कर दो, मुरुम जहां है वहां से पानी नीचे जाता है आराम से, मुरुम के नीचे पानी आराम से जाता है। अब आपके पानी कितना इकट्ठा है एक छत पर, अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो पाउस कितना, 10 इंच, 10 इंच से तो ज्यादा है, पूना में करीब करीब होता है 25 से 30 इंच बारिश है, तो 1000 फीट हो गया तो आपको 3 लाख लीटर पानी आएगा, 30 इंच पाउस है कम से कम पूना में, तो वो 3 लाख लीटर पानी आपका जो बोर है उसी में पूरा डाल दो, खड्डा बाजू में करके उसमें डाल दो। तब आपको खड्डा तो
दो ढाई फीट चौड़ा, दो ढाई फीट लंबा, दो ढाई फीट गहरा हो, उतना भी पूरे पानी को ले लेगा। नीचे मुरुम रहे तो वो पूरा नीचे जाएगा, सूख जाएगा, उसी में नीचे जलता जाएगा, चलता जाएगा। बस इतना करना है कि मुरुम जहां है उसके ऊपर थोड़ा बालू डालना, बालू बालू समझ, जो समुद्र उसमें से नदी में से आती, तो पहले मुरुम फिर बालू, फिर उसके ऊपर मोटा वाला पत्थर, पत्थर आता है वो शालीग्राम पत्थर कहते हैं, एकदम चिकना चिकना गोल गोल वो पत्थर, और वो खड्डे को भर दो इससे, शालीग्राम पत्थर सबसे ऊपर, उसके नीचे बालू, उसके नीचे मुरुम, फिर पानी इसमें छोड़ो, तो ये फिल्टर होके जाएगा पूरा। और ये फिल्टर होके जो गया, शुद्धतम पानी हर समय बोर में मिलेगा। तो आप समझ लो इनकी 1000 स्क्वायर फीट छत है, तो इनको 3 लाख लीटर मिल गया। अब आप अपना अपना जोड़ लो, 3 लाख लीटर तो साल में वापर भी नहीं सकते आप। किसी की छत 2000 स्क्वायर फीट है तो 6 लाख लीटर हो गया। मिलाओ मत, दूसरे बोर में करो उसको, उससे थोड़ा दूर पर इसी तरह का एक दूसरा खड्डा खोद लो, उसमें भी मुरुम बालू और पत्थर, और उसमें थोड़ा चूना डाल के रखो पत्थरों के बीच में, तो नहाने का और कपड़ा धोने का पानी उसमें छोड़ दो, वो बिल्कुल आएगा, लेकिन चूना है ना तो फिल्टर होके आएगा, चूना शुद्ध कर देता पानी, कितना भी केमिकल रहे चूने से बड़ा पानी को शुद्ध करने वाला कुछ नहीं। चूना उसमें अगर आपका खड्डा 2x2 और 2x3 माने 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा है, तो 2-3 किलो चूना लगेगा। नहीं पूरा 1-6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद वो बेकार हो जाएगा, फिर दूसरा डाल देना। तो वो है, और आप जब घर बनाते हैं तो उसको ठेकेदार को बोल दो कि हमारा बारिश का पानी तो हमको इकट्ठा करना ही है, हमको ये कपड़े धोने का नहाने का पानी भी इकट्ठा ही करना है, तो वो बना के देगा। थोड़ा दूरी पे रहते हैं दोनों, एक तरफ ये एक तरफ ये। हमारे घर में भी हमने किया है, हमारा तो संडास का पानी भी हम डालते हैं बोर में, वो भी बाहर नहीं जाता। तो लगभग उससे दूरी 5-6 फीट दूर रहे, 5-7 फीट तक, 10 फीट तक तो अच्छा है, एकदम नजदीक ना रहे, क्योंकि मिट्टी बीच में रहे तो मिट्टी से अच्छा दुनिया में कोई शुद्ध नहीं करता पानी को। खराब से खराब पानी डालो, मिट्टी शुद्ध कर देती है उसको, सब स्वच्छ करके इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सब देशों में ये होता है, जितने भी 5 स्टार होटल है ना, लंदन में, पेरिस में, जर्मनी में, बर्लिन में, सब जगह ये नियम है कि जितना नहाने धोने कपड़ा धोने का गंदा पानी उसी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना पड़ता है। थोड़े थोड़े दिन पे वो बालू बदलते रहिए, मुरुम बदलते रहिए, नया डालते रहिए, तो भी 2-3 साल के बाद बदल दीजिए उसको। पीने वाला है तो 6-8 महीने पे बदलिए, पीने वाला नहीं है तो 2-3 साल बाद, 4 साल भी बाद बदले तो चलेगा। 20 फीट के बाद वो पानी जब फैलेगा तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अभी कई गांवों में मैंने ये भी करके देखा, 2-3 फीट का ही पाइप डालो तो भी पानी नीचे, जब हम बोर से लेते हैं तो वो 20 फीट के नीचे से ही लेते हैं तो वो शुद्ध ही आता है। पाइप ज्यादा लंबा नहीं भी डाले तो भी वो 20 फीट के नीचे जाके ही ऊपर आएगा, उसके पहले आता ही नहीं। तो आप अपने अपने घरों में थोड़ी सी व्यवस्था ये जरूर करो, बारिश का जितना भी पानी आपके छत पे गिरता है उसको इकट्ठा करो। अब छत आपकी ये है आरसीसी तो भी, नहीं तो टिन है तो भी, नहीं तो आपका वो खपरेल है, क्या कहते हैं उसको, कवेलू, उसकी भी है, कितनी भी किसी भी तरह की छत रहने दो, पानी इकट्ठा करो, पत्थरे की हो तो भी। पानी के बारे में चिंता मत करो, वो जाएगा मिट्टी में, मिट्टी शुद्ध कर देगी सब। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद पानी का संकट इतना बड़ा होने वाला है कि जिस घर में ये नहीं होगा वो पानी ही नहीं पी सकेगा। सरकार थोड़े दिन में हाथ खींचने वाली है पानी की, वो कहेगी सब अपना अपना व्यवस्थापन खुद करो, तब आपको ये मजबूरी में करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से करके चले तो अच्छा है। नहीं हो सकता, क्योंकि उसको 8 से 10 लाख कोटी रुपए चाहिए, कहां से आएगा इतना पैसा, सरकार के बजट से दुप्पट है, तो हर साल के बजट में 5 लाख कोटी चाहिए, फिर ऊपर से 8-10 लाख कोटी, कैसे होने वाला है।
तो वो कल्पना में ही है, नदी जोड़ो प्रकल्प वास्तव में नहीं हो सकता। और दुनिया का कोई देश कर्ज देने को तैयार नहीं उसके लिए, और देगा भी तो उसका ब्याज इतना भरना पड़ेगा कि थोड़े दिन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपने पानी का व्यवस्थापन खुद करना है, शेत में हो तो, घर में है तो, झारपन है तो उबाल के पियो, बस इतना ही है। वो तो पीते ही पता चल जाता है टेस्ट से, टेस्ट से पता चलेगा। और वो एक लिटमस पेपर आता है उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, चार नियम थे पानी के, उसमें तीन है, और नहीं बल्कि चारों ही पानी के नियम है। ठीक है।